अरे ये सब इतना बड़ा कैसे हो गया? अबे बिड़ू, ये सब कुछ बड़ा नहीं, तू छोटा हो गया है। अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोटा होके ही फिर आज बता देता हूँ कि आखिर जीरो फिल्म में आखिर है क्या। तो चलो शुरू कर देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ अंशुल त्यागी। जी हाँ, शाहरुख खान की अगली फिल्म जीरो का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से था, जिसकी वजह से मैं खुद भी छोटा हो गया। आखिरकार इसका ट्रेलर शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर रिलीज तो कर दिया गया। ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी का मोटा मोटा अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ट्रेलर में जीरो एक लव स्टोरी भी नजर आ रही है, लेकिन ये लव स्टोरी इसलिए खास है क्योंकि इसमें 38 साल के एक बोने, जैसे कि मैं हो गया हूँ, एक व्हीलचेयर पर चलने वाली एक लड़की से इस बोने को प्यार हो जाता है। लेकिन ये प्यार आखिर होता कैसे है, उसके लिए ये वीडियो देखिए। ये मेरठ के रहने वाले बौआ सिंह ठाकुर की कहानी है, जो 38 साल के हो गए हैं, लेकिन बौनेपन के कारण उनकी शादी अब तक नहीं हो पाई। एक रोज उनके हाथ अनुष्का शर्मा की फोटो लग जाती है और वे उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं। मेट्रोमोनियल वाले उनको बताते हैं कि लड़की हिलती बहुत है, लेकिन बौआ इसका मतलब नहीं समझ पाते। जब हकीकत में अनुष्का को व्हीलचेयर पर बैठा देखते हैं तो उनके कबूतर उड़ जाते हैं। दरअसल बौआ कबूतर हाथ में लेकर पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होती है दोनों की लव स्टोरी। धीरे धीरे अनुष्का भी बौआ को पसंद करने लगती है। इसी दौरान कटरीना कैफ की एंट्री हो जाती है। दरअसल कटरीना बौआ का बचपन का प्रेम है, लेकिन बौआ के बौने रह जाने के कारण कटरीना का रास्ता अलग हो जाता है और वे एक बड़ी स्टार बन जाती हैं। बौआ कटरीना को भी नहीं भुला पाते, वापस से दोनों दोस्त बन जाते हैं और इसी बीच ये कहानी एक लव ट्रायंगल बन जाती है। साथ ही प्रेम में बौआ कुछ भी करने वाले आशिक बन जाते हैं। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की अदाकारी एक तरफा नजर आ रही है। वे बहुत हद तक बर्फी की प्रियंका चोपड़ा जैसी लग रही हैं। फिल्म में डायलॉग भी हंसाने वाले हैं। शादी ना होने से परेशान एक बोने इंसान की कहानी अभी तक किसी हिंदी फिल्म में नहीं दिखाई गई। स्टोरी असाधारण है, इसलिए दर्शकों को तो पसंद आनी ही है, क्योंकि मैं भी तो बोना हो गया क्योंकि मुझे पसंद आ रही है। संभवतः शाहरुख के पिता के रोल में तिग्मांशु धूलिया हैं, बौआ की अपने पिता से नहीं बनती। इस तरह रिश्तों की एक जटिल सी केमिस्ट्री जरूर पिक्चर में नजर आने वाली है। फिल्म के गाने और सराउंड साउंड भी बड़ा परफेक्ट सा दिख रहा है। फिल्म देखने के बाद अंतिम राय ये बनाई जा सकती है कि कुल मिलाकर ऐसी पिक्चर हमने पहली कभी देखी नहीं है, जो कि निर्देशक आनंद एल राय लेकर आ रहे हैं, जो शायद नई बहस को जन्म देने वाली है। ये फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन हम आपको क्रिसमस की छुट्टी पर भी इस फिल्म का रिव्यू दिखाना नहीं भूलेंगे। तो आप तैयार रहिएगा फिल्म के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस बोने की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर